स्टार्ट। हाँ, तो आज हम लोग नए तरीके से हाइड्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट फील्ड में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमारा जैसा कि पहला टॉपिक है सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर इन द अर्थ और ऑन द अर्थ। तो हमारे अर्थ में टोटल वाटर कितना प्रेजेंट है, जितना भी प्रेजेंट है उसमें कितना सरफेस के ऊपर है और कितना सरफेस के अंदर है, दैट मीन्स सब सरफेस में है, अंडरग्राउंड वाटर कितना है ना। तो टोटल यदि मैं कंटेंट की बात करूँ, यदि सेलाइन वाटर और फ्रेश वाटर की बात करूँ, तो अराउंड 96-97% वाटर इज़ स्टोर इन द ओशियन एंड अराउंड 3-4%। आई एम टेलिंग द रेंज 96 or 97 or 3 or 4% ऑफ फ्रेश वाटर बिकॉज इन एवरी बुक इट इज़ रिटन डिफरेंट। तो देखो, 3-4% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है पूरे अर्थ सरफेस में, है ना। अभी देखो, जो फ्रेश वाटर है उसमें सरफेस वाटर होता है और सब सरफेस वाटर होता है ना। तो यदि हम उसमें सरफेस वाटर की बात करें तो अराउंड 69% वाटर आर स्टोर्ड इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स एंड अराउंड 30% ऑफ वाटर इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड। दैट मीन्स दैट इज अराउंड 30% आर अंडरग्राउंड वाटर एंड रेस्ट ऑफ द 1% ऑफ सरफेस वाटर आर लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, दीज आर स्टोर्ड इन दिस लोकेशंस। तो इसमें टोटल देखो 100% वाटर में, टोटल फ्रेश वाटर में अराउंड 1% वाटर वी आर रेयरली यूजिंग एंड रेस्ट ऑफ द 99% वाटर आर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड वाटर, सो कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, है ना। अब जहाँ तक ये तो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई वाटर की, बट जहाँ तक हम इसके सरफेस में अकरेंस की बात करते हैं, है ना, तो इसके देखो कुछ दो तरीके के डिवीज़न होते हैं, जिसमें एक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, और जो लैंड सरफेस से नीचे की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो कैसे वाटर स्टोर होता है रॉक्स में, किस तरीके के रॉक्स में ज़्यादा स्टोर होगा, कब किस बेल्ट में कम स्टोर होगा। और इसी के साथ में दूसरा होता है जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो अभी मैं दोनों डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बताऊँगा, ग्राउंड वाटर अकरेंस सरफेस एंड सब सरफेस। तो अभी हम सब सरफेस ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देखो, जो जियोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि हम देखा जाए तो अराउंड देर आर 3 जोन्स। वन इज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर एंड सेकेंड जोन इज विच इज कम्स द लोएस्ट वन, दैट इज जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, है ना। और इन दोनों के बीच में एक तीसरा जोन होता है, रॉक फ्रैक्चर जोन और रॉक फ्लोएज जोन के बीच में इंटरमीडिएट जोन ऑफ रॉक फ्लोएज एंड फ्रैक्चर, है ना। तो देखो, ये जो रॉक फ्रैक्चर है ना, रॉक फ्रैक्चर जो जोन है, इसमें जो इंटरस्टिक्स होती है रॉक्स में ये ज़्यादा होती है ना। इसमें इंटरस्टिक्स का मतलब है कि पोर्स, वॉइड्स, ये ज़्यादा होते हैं बिकॉज कन्फाइनिंग प्रेशर कम होता है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस इसमें कम होता है ना। तो इस जोन में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। इसी के साथ में जो दूसरा है जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, तो जोन ऑफ रॉक फ्लोएज में चूँकि ये डीप में होता है ना, लोएस्ट वन है, तो इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर हाई होता है जिसके चलते इसमें इंटरस्टिक्सिस कम होते हैं, है ना, कम होते हैं। इसमें वाटर इज स्टोर्ड इन द मतलब एसोसिएशन में होता है, केमिकल एसोसिएशन में होता है, रॉक के केमिकल एसोसिएशन में होता है, जिसे इंटरनल वाटर कहते हैं, है ना। और इन दोनों के बीच में होता है जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर और रॉक फ्लोएज। इसमें होता है जो रॉक्स स्ट्रांग होती है वो इज इन बिटवीन जोन में वाटर को स्टोर करती है, और जो रॉक वीक होती है वो स्टोर नहीं करती, बिकॉज जैसे ही हम डीप में जाते जाते हैं तो
कन्फाइनिंग स्ट्रेस बढ़ते जाता है, जिसके वजह से इंटरस्टिक्सिस दे आर क्लोजिंग अप, दे स्टार्ट क्लोजिंग अप। तो यहाँ पर हमने पढ़े अभी रॉक्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है। इसे एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम मुझे अभी याद आ नहीं रहा है, बट 1896 में कुछ हेन सिंह सम काइंड ऑफ साइंटिस्ट, सम नेम ऑफ साइंटिस्ट, ही हैज़ प्रपोज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम प्रोफेसर डी के टॉड, है ना, जिसके अकॉर्डिंग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो जोन्स होते हैं, जोन ऑफ सेचुरेशन, जोन ऑफ एरिएशन। जोन ऑफ सेचुरेशन में ग्राउंड वाटर पाया जाता है, जोन ऑफ एरिएशन जिसे वाडोस जोन भी कहते हैं, इसमें वाडोस वाटर बेसिकली ये भी ग्राउंड वाटर ही है, जो भी वाटर सबसरफेस के नीचे है वो ग्राउंड वाटर है। अभी देखो जो जोन ऑफ एरिएशन है, वाडोस जोन, वाडोस जोन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिलरी जोन, इंटरमीडिएट वाडोस जोन एंड अपर वन इज सॉइल वाटर जोन, है ना। तो ये तीन जोन हैं जोन ऑफ वाडोस जोन के, है ना। उसके बाद अगला जोन है जोन ऑफ सेचुरेशन, ये इसमें ग्राउंड वाटर रहता है, इसे प्रीहेटिक जोन भी कहते हैं, है ना। इस जोन में ग्राउंड वाटर पाया जाता है सेचुरेशन अवस्था में, मतलब पूरा जो वाटर है सेचुरेटेड रहता है, वहाँ पे एयर नहीं होती है, है ना। बट वाडोस जोन में ग्राउंड वाटर आर अकर इन एसोसिएशन विथ एयर, है ना। तो इसमें देखो, और जो जोन ऑफ सेचुरेशन है उसके नीचे इम्परमिएबल रॉक्स होती है, जिसमें कि इंटरस्टिसिस नहीं होती है, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग जो है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर हुआ, इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा जो सिलेबस में अगला टॉपिक है, ये तो पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ग्राउंड वाटर, जिनमें हमने देखा कि वाटर स्पेशली कैसे अकर करता है पूरे अर्थ में, और दूसरा हमने देखा कि सरफेस से जैसे ही लैंड सरफेस से हम लैंड सरफेस से हम जैसे ही नीचे जाते जाते हैं तो कैसे अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर वेरी करता है। अभी अगला हम लोग देखने वाले हैं अकरेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली क्या है, हमारा जो अर्थ में जितना भी वाटर होता है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इट्स बेसिकली अ साइकिल। तो ये जो वाटर होता है अर्थ सरफेस में, अर्थ में, तो ये बेसिकली एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, अपर पोर्शन ऑफ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीन पोर्शन में, इन तीन कहना चाहिए रिजर्वायर में, इन तीनों रिजर्वायर में ये सर्कुलेट होता है थ्रू द डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस, है ना। जैसे मैं बात करूँ, ओशियन है, है ना, ट्रीज है, और जो लैंड सरफेस है उसके अपर सरफेस में मॉइस्चर होती है वो है, तो इससे इवेपोरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, जो वाटर बॉडी है वहाँ से डेफिनेटली इवेपोरेशन होगा, बट जो वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, इनमें से ट्रांसपिरेशन होता है, है ना। इवन ये भी इवेपोरेशन करते हैं, जैसे यदि कहीं पर प्रेसिपिटेशन होता है तो वाटर जो लीव्स में रह जाता है उसे इंटरसेप्ट वाटर कहते हैं, ये इंटरसेप्ट वाटर, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्ट वाटर, है ना, ये भी इवेपोरेट होता है। तो हमारा प्लांट हो या वाटर बॉडी हो, इवेपोरेशन वहाँ से भी होता है, लेकिन प्लांट में ये होता है कि वहाँ से ट्रांसपिरेशन भी होता है, मीन्स जो लीव्स है वो वाटर कैरी करके लाती है सॉइल वाटर बेल्ट से, एंड वो वाटर इवेपोरेशन के साथ में ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो इसे कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पर मैं जितने भी टर्म्स बता रहा हूँ इसको याद रखना है, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, साथ ही में प्रेसिपिटेशन, है ना। उसके बाद में देखो, जब ये इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन ये सब हुआ, है ना, अब ये जो कहना चाहिए, ये जो वेपर है ये गई ऊपर और वहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, है ना, कंडेंसेशन, बिकॉज टेम्परेचर वहाँ पर डाउन हुआ। कंडेंसेशन होने के बाद में, जब देखा कि वाटर वहाँ पर स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो बूंदों के रूप में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ,
है ना, ये अलग अलग जगह से होता है। प्रेसिपिटेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे स्नो होता है, हेल होता है, सिंपल जो अपनी रेन होती है ये होता है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है। और ये प्रेसिपिटेशन होने के बाद में अब इसमें आप ही सोचो, जब प्रेसिपिटेशन हुआ तो अब जब वाटर सरफेस पर रेन या स्नो या ये जो भी है सरफेस पर जब गिरा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहली बात या तो कहीं पे स्टोर होगा, है ना, जहाँ पर भी डिप्रेशंस है वहाँ पे स्टोर होगा, तो उसे डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं, इसे याद रखना, दिस इज़ अ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। सेकेंड थिंग, यदि वो कहीं सरफेस में गिरा है, जैसे मैं जिस सरफेस पे अभी खड़ा हूँ यहाँ पे गिरेगा तो सीधे यहाँ से जो है ओवरलैंड फ्लो हो जाएगा, है ना, इसे ओवरलैंड फ्लो कहते हैं, इसे टर्मिनोलॉजी को याद रखना। इस ओवरलैंड फ्लो के अलावा यदि ये किसी पोरस मीडियम पे गिरता है ना, पोरस मीडियम में गिरेगा तो वो इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट होके वो है ना, जैसे वहाँ पे जो है सेडिमेंट्स रखे हुए हैं, रेत वगैरह रखी हुई है ना, तो यदि वहाँ पे यदि वाटर गिरता है ना, या इसके दूसरे एरिया में है वहाँ पे यदि वाटर गिरता है तो वाटर इन्फिल्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद में जब वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ, ठीक है, या तो इन्फिल्ट्रेट होगा, या तो ओवरलैंड फ्लो होगा, या तो डिप्रेशन स्टोरेज होगा, है ना। अब ये जो स्टोरेज हुआ, डिप्रेशन स्टोरेज, अब इसके और इन्फिल्ट्रेशन हुआ, अब जो मैंने अभी से पहले जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर बताया था, इसमें क्या बताया था मैंने कि जो लैंड सरफेस है उससे नीचे जैसे जाते हैं तो सॉइल वाटर बेल्ट है, उसके नीचे इंटरमीडिएट वाटर जोन है, उसके नीचे कैपिलरी जोन है। जब वाटर और यहाँ पर जो वाटर है वो एसोसिएटेड है एयर के साथ में, है ना, यहाँ पर एयर्स के साथ में वो रहता है। अब जब यहाँ से इन्फिल्ट्रेट होकर जो वाटर है वो लैंड सरफेस से नीचे की ओर जाएगा, है ना, इन्फिल्ट्रेट होकर जब वाटर है वो नीचे की ओर जाएगा, और यदि नीचे वाली फॉर्मेशन में वो लेटरली मूव करता है, लेटरली मतलब समझ रहे हो, लेटरली मतलब पैरेलल, है ना, लेटरली सरफेस के पैरेलल मूव करेगा, उसे इंटरफ्लो कहते हैं। टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से माइंड करना, उसे इंटरफ्लो कहते हैं, है ना। अब उसके बाद में जब अब चूंकि नीचे जो वाटर है वो तो एयर के साथ में है, वाटर जोन में जो वाटर इन्फिल्ट्रेट करके गया है, अब वो वहाँ पे एयर को बाहर निकालेगा, मॉइस्चर को बाहर निकालेगा, वो एक इवेपोरेशन का टाइप हो जाता है। और उसके साथ में जब वाटर जो है दूसरे वाटर के साथ एसोसिएटेड होता है और वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है ना, उसे ग्रेविटी ड्रेनेज कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर, मतलब उसका कहना चाहिए वेट के कारण वो नीचे की तरफ मूव करता है ना, इसे ग्रेविटी ड्रेनेज कहते हैं। अब ग्रेविटी ड्रेनेज के थ्रू वो जोन ऑफ सेचुरेशन की ओर, सॉरी कैपिलरी फ्रिंज की ओर बढ़ता है। कैपिलरी फ्रिंज में जो वाटर होता है वो 100% अप्रोचिंग टू 100% वाटर होता है, वहाँ पे एयर बहुत कम होती है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग वो कैपिलरी जोन जो है पूरे रीजन में वेरी करता है, पूरे अर्थ सरफेस में वेरी करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा भी जहाँ पर भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो जोन ऑफ सेचुरेशन है, कैपिलरी जोन है, ये मूव करते हैं, वेरी करते हैं, उनका लेवल वेरी करता है। इसके बाद में देखो, जो जोन ऑफ सेचुरेशन में जब वाटर पहुंच गया है ना, जो हमारा प्रेसिपिटेटेड वाटर है जोन ऑफ सेचुरेशन में पहुंच गया, अब जोन ऑफ सेचुरेशन में पहुंचने के बाद में जब वो मूव करेगा अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना, जब वो वाटर मूव करेगा उसे ग्राउंड वाटर फ्लो कहते हैं, है ना, मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर कहते हैं। एंड जब ये मूवमेंट होता है ग्राउंड वाटर का, तो ये मूवमेंट का भी एक मैं अभी एक चीज़ और एक पॉइंट और बताऊंगा इसमें। ये मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर है जब ये किसी ऐसी सरफेस में मीट करता है जहाँ पर कि ग्राउंड वाटर लेवल अबव हो और वो नीचे हो, तो वहाँ से वो डिस्चार्ज होने लगता है। ये आई थिंक क्लियर नहीं होगा, चलो मैं फिर से बोलता हूँ। इसमें देखो, यदि ग्राउंड वाटर टेबल यदि किसी सरफेस ऐसी सरफेस में मीट करता है जहाँ पर कि जो अगली जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है उसका ग्राउंड वाटर टेबल नीचे हो, है ना, तो वहाँ से वाटर सीपेज होता है, जैसे स्प्रिंग्स होते हैं, है ना, ग्रेविटी स्प्रिंग्स होते हैं, तो ये जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज कहते हैं इसे, है ना, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज जो है ये, है ना, ये टर्मिनोलॉजी को ज़रूर याद रखना। अभी एक पॉइंट और उसमें देखो, ये ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हुआ, जैसे ये ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हुआ तो हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना, यहीं से तो इवेपोरेशन चालू हुआ था, यहीं पे आके हमारा जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट हुआ।
अब इसमें एक दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, लैंड सरफेस, इस लैंड सरफेस में अराउंड थ्री किलोमीटर की डेप्थ तक के जो वाटर अवेलेबल है ना, सिर्फ वो ही वाटर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मेजर पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ना। अराउंड 98% जो है वाटर हमारा अंडरग्राउंड है, जो फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ, और बाकी का 1-2% जो है सरफेस में होता है, जो हमारे यूज़ के लिए होता है। और अराउंड 3-12 किलोमीटर के बीच का जो पोर्शन होता है, जहाँ पर कि ग्राउंड वाटर है, बिकॉज लैक ऑफ पोरोसिटी और इंटरस्टिसेस अवेलेबल देयर, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके अलावा जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, इसमें आप देखते होंगे कि जो वेपर होती है, वेपर निकलती है ना, वो भी ग्राउंड वाटर का ही पार्ट होता है। बट कुछ जो वाटर मैग्मा के साथ एसोसिएट होता है, वो वाटर, मैग्मेटिक वाटर, चाहे प्लूटोनिक हो या वॉल्केनिक वाटर हो, ये वाटर भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में उस टाइम पर ऐड होते हैं। इसके साथ में ही दूसरे वाटर, जैसे कहना चाहिए, ठीक है, इसमें इतना ही सफिशिएंट है ना। इसके बाद हम लोग अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ ऑन डिफरेंट लोकेशन वी विल शूट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, स्टार्ट। तो अभी जब भी मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया पढ़ाते पढ़ाते, देखो कोई भी जो रिवर है ना, ये जब फ्लो होती है तो इसमें दो तरीके के डिस्चार्ज होते हैं। एक तो ओवरलैंड डिस्चार्ज होता है ना, जो मैंने ओवरलैंड फ्लो बताया था कि लैंड अक्रॉस करके वो वापस रिवर में आ जाता है ना, यदि वो इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है तो लैंड सरफेस क्रॉस करके वो रिवर में आ जाता है ना, थ्रू ओवर द लैंड सरफेस। उसके बाद दूसरा होता है डिस्चार्ज, जिसे मैंने बताया था ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, है ना, जिसे हम बेस फ्लो कहते हैं, है ना। यदि जब गर्मी, जब समर सीज़न में जब रिवर बहते रहती है, तब पानी कहाँ से आता है, ये बेस फ्लो ही है जो रिचार्ज या वाटर प्रोवाइड कराता है रिवर को, है ना। तो जब ये किसी भी रिवर के लिए ओवरलैंड फ्लो प्लस बेस फ्लो, ये दोनों मिलकर रिवर के लिए रन ऑफ बनाते हैं, इसे रन ऑफ कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, रन ऑफ किसे कहते हैं, तो रन ऑफ इसे कहते हैं। ठीक है, चलो इतना ही है, थैंक यू।